तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे प्रदर्शन को तेज किया जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ पर रुख करेंगे। सोनीपत एनआईए की टीम ने गैंगस्टर को लेकर की बड़ी रेड। इस वक्त की हॉट न्यूज, गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जो ठेड़ी की पत्नी से पूछताछ जारी। थाना क्षेत्र कुंडली में रेड की गई है। रेड लगाकर जारी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद। तो रेड लगातार जारी है। सोनीपत एनआईए टीम ने गैंगस्टर को लेकर की बड़ी रेड। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद, लेकिन पत्नी से पूछताछ जारी। गैंगस्टर संदीप की पत्नी से पूछताछ जारी। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर को लेकर की बड़ी रेड। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी से पूछताछ जारी। राम सिंह मार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, जरा बताएं कि ये रेड जो है कैसे इसको देखा जाए, कब शुरू हुई, किस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है? देखिए, एएनआई की टीम द्वारा गैंगस्टर को लेकर एक बड़ी रेड जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य कई क्षेत्रों में जो है की जा रही है, और इसी क्रम में सोनीपत के राय क्षेत्र में भी एएनआई की टीम लगातार रेड कर रही है। और जहां योगेंद्र इंचार्ज और शेगी खरखोदा की टीम के साथ मिलकर संदीप उर्फ काला जठेड़ी जो है गैंगस्टर से के निवास और कार्यालय पर रेड की गई है, जहां उनकी पत्नी को भी राय थाना में पूछताछ के लिए लाया गया है। लगातार पूछताछ जारी है और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा था। और इसी को लेकर अगर बात करें तो काला जठेड़ी इन दिनों राय थाना के अंतर्गत जठेड़ी का रहने वाला है और इन दिनों जो है तिहाड़ जेल में कैद है। पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाले की हत्या में भी इस गैंग का हाथ बताया गया था और सिद्धू मूसेवाले की हत्या के संदर्भ में भी एएनआई की टीम में द्वारा संदीप उर्फ काला जठेड़ी के घर रेड की गई है। इसी के तहत लगातार सुबह 5 बजे से रेड की गई है सोनी, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार अलग अलग गैंग जो है सक्रिय हो रही है, अब सोनीपत और दिल्ली एनसीआर समेत जो है अपनी अन्य गैंगों से हाथ मिलाने कर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। तो ऐसे में जो है एएनआई की टीम भी सक्रिय हो गई है और लगातार अलग अलग गैंगस्टर से जुड़े हुए तारों को खंगाल रही है, उनके परिजनों को लगातार पूछताछ की जा रही है। जी राम सिंह, क्या सिर्फ काला जठेड़ी के ही ठिकानों पर पुलिस एनआईए की तरफ से ये रेड की गई है या कुछ और लोग भी इस रेड में जो है निशाना बने हैं और निशाने पर आए हैं एनआईए के? और दूसरा ये भी, क्या मुख्य रूप से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में ये रेड की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला का नाम जो है पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि उनकी जो हत्या हुई थी वो बड़ी गैंग के मुताबिक ही इशारों पर हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है जब सामने आया था तो उस गैंग में जुड़े हुए शूटर सोनीपत के ही थे और जिनकी गिरफ्तारी भी हुई। और इन दिनों अगर बात करें तो पंजाब के फाजिलका निवासी कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब में बंबिया गैंग की आपसी दुश्मनी के चलते अलर्ट मोड पर एएनआई आई है और माना यह जा रहा है कि दोनों गैंग में एनसीआर का दायरा बढ़ाने के लिए अन्य गैंग से हाथ मिलाने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर दोनों ही गैंग हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है शूटर्स की तलाश में जो है अपनी गैंग को लगातार बढ़ा रहे हैं और हरियाणा की काफी गैंग से जुड़े हुए सोनीपत के भी कई शूटर इसमें शामिल रहे हैं। तो इसी लिहाज से जो है लगातार जो है एएनआई की टीम में अलग अलग जो गैंगस्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो बदमाश हैं, उनके घरों पर जो है इस प्रकार से पूछताछ कर रही है, रेड कर रही है। जी तो ये माना जाए राम सिंह मार कि अभी जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है उसमें कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से गैंगस्टर का नाम संदीप जठेड़ी का नाम सामने आया था और इसी गैंग के जो शूटर जो है वो बताए गए थे और जिस प्रकार से सोनीपत में अलग अलग शूटर्स जो है, एक सिरसा जो है अंकित सिरसा का नाम सामने आया था, तो वहीं जो खरखोदा के क्षेत्र के वही बसोदी का जो है उसका भी नाम सामने आया था, राजू बसोदी का नाम भी सामने आया था। लेकिन ये सब जो इन्वेस्टिगेशन का है, अब पुलिस जो है आज एनआई की टीम जो है उनके परिजनों से और संबंधित जो भी तार उनको, जो भी सुराग उनसे मिल सकता है उसको लेकर ये लगातार रेड की गई है, क्योंकि अगर इन दिनों बात करें तो पंचायती चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और पंचायती चुनाव को लेकर जब सबसे बड़ी गैंगवारी होती है और इस दौरान जो है ग्रामीण स्तर पर जो है बड़ी मामले जो है अलग अलग गाँव
मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में पुलिस जो है अरंगल से लगातार इस प्रकार की रेड कर रही है और एएनआई की टीम द्वारा रेड की गई है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गैंगवारी को लेकर ही ये रेड है और देखना यह होगा कि पुलिस के हाथ क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगते हैं, क्योंकि आज जो काला जठेड़ी है वो एक बड़ा नाम, भले ही वो जेल में बंद हो लेकिन उनका नाम जो है आज भी लगातार तस्करी है। आज उनकी पत्नी को भी जो है यहाँ पर पूछताछ के लिए राय थाना में लाया गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए की टीम की ओर से रेड की गई है, गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी से पूछताछ की जा रही है टीम की ओर से, और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई ठिकानों पर जो है ये एनआईए की रेड की गई है।